let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide. Assalamu alaikum. आज की वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये इंसाफ इमदाद प्रोग्राम है जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है। जो भी मुस्तहिक लोग हैं उन लोगों की इमदाद के हवाले से। तो अगर तो आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप लोग ये वीडियो देख के इसमें अप्लाई करने का तरीका सारा यहाँ से सीख सकते हैं। अगर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप इसका एक दूसरा तरीका है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है। और सबसे पहले तो आप लोगों ने ये एप्लीकेशन इंसाफ इमदाद एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे सर्च करनी है और इसको डाउनलोड कर लेना है। अच्छा जी, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज नज़र आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर है नाम, उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर मोबाइल नंबर और नीचे बयान अल्फी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर उर्दू में लिखना है उर्दू कीबोर्ड के साथ तो उर्दू में लिख सकते हैं। नाम बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा आपके आईडी कार्ड पे है। और अगर आपने इंग्लिश में लिखना है आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिख सकते हैं, वो भी उर्दू या इंग्लिश में जैसे आपको मुनासिब लगे। उसके बाद आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लिखना है और नीचे बयान अल्फी पे क्लिक करके चेक करके नेक्स्ट पे जाना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, वैसे मेरा ताल्लुक़ केपीके से है, मैं बस चेक करता हूँ अगर ये आगे प्रोसीड हो तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये डिटेल्स मैंने डाल दी और दरख्वास्त जमा करें, क्या आप फॉर्म जमा करवाना चाहते हैं? हाँ, मे ओनली कंटेन अल्फाबेटिक करेक्टर्स। जी यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी और यहाँ पे भी नेक्स्ट करते हैं आप। अच्छा जी, ये हो गया, ये रजिस्टर हो गया। तो ये तीन स्टेप्स हैं, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, और फिर नीचे ये बयान एल्फी पे आप लोगों ने क्लिक करके नेक्स्ट जाना है। अच्छा, दूसरा जो तरीका है, जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो अपने मोबाइल फ़ोन से वो एक नया मैसेज टाइप करें। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिख लेना है। स्पेस बगैर फिर नीचे आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है, इधर भी कोई स्पेस नहीं देनी। उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं है, और इसके नीचे आप लोगों ने लिखना है इमदाद, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने इसको सेंड करना है 8070 पे और सेंड। अपना नाम, फ़ोन नंबर, CNIC और नीचे इमदाद लिख के 8070 पे आप लोग सेंड करेंगे, आपको इसका रिस्पांस थोड़ी देर तक भी आ सकता है और फ़ौरन भी आ सकता है। तो ये इसका अप्लाई करने का तरीका है सिंपल सा। एंड्रॉयड फ़ोन से एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और सिंपल मोबाइल फ़ोन से 8070 पे अपनी डिटेल सेंड करके भी कर सकते हैं। तो वीडियो शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ भी जो अप्लाई करना चाहते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।